अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। मैंने ये वीडियो स्पेशली इंग्लिश बिगिनर्स के लिए बनाया है। इंग्लिश बिगिनर्स मतलब जिनको इंग्लिश कुछ भी नहीं आता हो या थोड़ी कुछ आता हो। मैं इस वीडियो में सबसे पहले आपको इंग्लिश के कैपिटल लेटर्स, जिसको हम ब्लॉक लेटर भी कहते हैं, कैपिटल लेटर्स और ब्लॉक लेटर्स कैसे इस्तेमाल करना है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप करके सिखाऊंगा। ओके, जब भी आप अपना नाम या किसी का भी नाम या किसी इंसान का नाम कहीं पर भी लिखते हो, तो आपको दिमाग में रखना है या अपने जहन में रखना है कि उस इंसान का नाम या आप अपना नाम हमेशा इंग्लिश के कैपिटल लेटर से शुरू करना है। जैसे मैं अभी अपना नाम आपको लिखकर दिखाऊंगा। फाइन, मेरा नाम है नासिर, NASIR, नासिर। मैंने यहाँ अपना नाम पहला वर्ड इंग्लिश के कैपिटल लेटर से स्टार्ट किया है। अगर आप अपना नाम कभी भी कहीं पर भी स्मॉल लेटर से शुरू करोगे तो ये कम्प्लीटली रॉन्ग होगा, इतना आपको जहन में रखना है। ओके, नंबर दूसरा पॉइंट है हमारा, जब भी आप अपना फैमिली नेम, जिसको हम सर नेम कहते हैं या फिर लास्ट नेम, सर नेम और लास्ट नेम की मीनिंग एक ही है। जब भी आप अपना सर नेम कहीं पर भी लिखोगे, जैसे एडमिशन फॉर्म पे या चेक बुक पे या फिर अपनी बुक पे जब लिखते हो, तो इतना दिमाग में रखना है कि आपको उस सर नेम का पहला लेटर इंग्लिश के कैपिटल लेटर से स्टार्ट करना है। जैसे मैं अभी आपको लिख कर दिखा रहा हूँ, मेरा सर नेम या फिर मेरा लास्ट नेम जो है पीरजादे है, PERZADE, पीरजादे। मैंने अपना सर नेम कैपिटल लेटर से शुरू किया है। अगर यही वर्ड या यही लफ्ज़ मैं इंग्लिश के छोटे लफ्ज़ यानी स्मॉल लेटर से शुरू करूंगा तो ये बिल्कुल गलत होगा। जब भी आप भटकल, BHATKAL, भटकल, जब भी आप ये लफ्ज़ भटकल कहीं पर भी लिखोगे, तो आपको भी ए भी जहन में रखना है कि बी हमेशा कैपिटल में ही लिखना है। इसके अलावा अगर आप कर्नाटक भी कहीं लिखते हो, कर्नाटक, तो के हमेशा कैपिटल से ही लिखना है। इसके अलावा अगर आप इंडिया कहीं पर भी लिखते हो, चैटिंग करते वक्त या किसी एड्रेस पे जब लिखते हो, तो आपको जहन में रखना है कि आई कैपिटल यूज़ करना है। यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि आप जब भी किसी देश का नाम लिखते हो या किसी स्टेट का नाम लिखते हो या किसी मोहल्ले का नाम लिखते हो, तो आपको चाहिए कि आप उस मोहल्ले का नाम, उस देश का नाम, उस स्टेट का नाम हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट करना है। जब भी आप कोई भी इंग्लिश का जुमला यानी सेंटेंस जब लिखते हो, तो आपको चाहिए कि हर इंग्लिश का जुमला फर्स्ट लेटर कैपिटल से स्टार्ट होगा। जैसे मैं अभी आपको लिखकर दिखाता हूँ, आई विल कम यानी मैं आऊंगा, यहाँ पर आई कैपिटल लेना आपके लिए ज़रूरी है। ओके, आई एम राइटिंग यानी मैं लिख रहा हूँ, आई एम का आई हमेशा कैपिटल से ही लेना है। मैंने ये छोटी सी वीडियो बिगिनर्स के लिए बनाया था। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैंने इंग्लिश के कैपिटल लेटर कहाँ कहाँ आपको इस्तेमाल करना है, एक छोटी सी वीडियो बना के पेश किया है। इसके अलावा और इंग्लिश के कैपिटल लेटर कहाँ कहाँ इस्तेमाल होते हैं और आपको कैसे इस्तेमाल करना है, मैं इंशाल्लाह आपको मेरी अगली वीडियो में बना के सिखाऊंगा। ओके गाइस, प्लीज़ ये वीडियो स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए या स्टूडेंट्स तक पहुँचाइए, ताकि उनको थोड़ा सा बेनिफिट होगा। और इंग्लिश बिगिनर्स के लिए भी इस वीडियो को आप शेयर कीजिए, हो सकता है उनको थोड़ा कुछ सीखने मिलेगा।
ओके माय डियर स्टूडेंट्स, इंग्लिश के स्मॉल अल्फाबेट ए से लेकर जेड तक 26 है, ये हम सबको पता है, राइट गाइस। इसमें दो ऐसे अल्फाबेट हैं, आई और जे। आपने देखा होगा आई के ऊपर और जे के ऊपर एक पॉइंट होता है, यानी जिसको हम नुक्ता बोलते हैं या फिर फुल स्टॉप बोलते हैं। एग्जैक्टली इसको इंग्लिश में फुल स्टॉप नहीं कहा जाता है, इसको हम इंग्लिश में टिटल कहते हैं, टी आई टी टी एल ई, टिटल। ओके गाइस, अगर आप इंग्लिश बारीकी से सीखना चाहते हो तो ये भी आपके लिए जानना जरूरी है। ओके माय डियर, आपको समझ में गया हो ना, आई के ऊपर जो पॉइंट और जे के ऊपर जो पॉइंट होता है उसको हम टिटल कहते हैं। आई होप यू लाइक माय वीडियो, राइट? थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।